अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगे लिख उपकारी है इनको स्वरूप जाने रागते वही जो भक्ति आय को नमाई सूरी को उचारी है धन्य धन्य दिन इसे काज सब आज भरे कर जोड़े वारे भारे वंदना हमारी है मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। शत्रु चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ और परिग्रह अपरिग्रह की चर्चा यहाँ बताई जा रही थी। मूल प्रकरण तो सबके ज्ञान में है ही, कहानी कहाँ से कहाँ बढ़ रही थी। जीवंदर कुमार एक आश्रम में पहुँच गए तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करके, और वहाँ आश्रम में उन्होंने कुछ तपस्वियों को पंचाग्नि तप तपते हुए देखा और वे बिना इस बात का विकल्प किए हुए कि ये सामने वाले क्या सोचेंगे उन्होंने समझाना शुरू कर दिया। मैंने देखो कितनी दृढ़ता होती है अंदर में, किसी भी व्यक्ति को टोकना और टोकने की हिम्मत रखना ये साधारण बात नहीं। आप किसी को गलत काम करते हुए देख करके भी टोक नहीं पाओ, क्या सोचेगा, पता नहीं क्या कहेगा, पता नहीं क्या समझ लेवे, अच्छा नहीं लगेगा, हम तो नहीं कहें। नहीं, ऐसे संकोच कमजोर लोगों के मन में होता है। जो विशेष पुरुषार्थी लोग होते हैं वे डायरेक्ट बात कह देते हैं, स्पष्टवादी होते हैं कि भैया तुम जो ये काम कर रहे हो ये काम धर्म नहीं है, इस कार्य के माध्यम से ये गलती से भी मत समझ लेना कि हम कोई धर्मात्मा हो गए या हमने कोई धर्म कर लिया है, ये पाप है, धर्म तो हो ही नहीं रहा है, इसमें पाप और बन रहा है। ये सारी बातें यज्ञ करने वाले, हवन करने वाले उन लोगों को समझाना शुरू किया। फिर कहा और ये तुम्हारा परिग्रह दिखाई देता है, ये सब संसार का कारण है। इधर हमारा तो परिग्रह कुछ नहीं है, हम तो सन्यासी हो गए हैं, हमने सब कुछ छोड़ रखा है। ये सुनो भाई, सब कुछ छोड़ने का नाम परिग्रह त्यागी नहीं होता, परिग्रह का त्याग अंदर से होता है। इतना ही नहीं, यहाँ तो आगे चल करके ये कह दिया कि नग्नता होने मात्र में भी कोई अपरिग्रही नहीं हो गया।
क्योंकि नग्नता होने पर भी अंतरंग में यदि उसके प्रति एकत्र बुद्धि बनी हुई है तो वो परिग्रही ही है, कषायें बनी हुई है। तो फिर देखिए और आगे बढ़े तो उन्होंने यहाँ कहा कि नग्नता जरूरी तो है लेकिन नग्नता से सिद्धि हो जाए भाव के बिना ऐसा नहीं हो सकता। मुक्ति का साक्षात कारण तो संवर और निर्जरा है। यह नग्नता शरीर की अवस्था है जो कि द्रव्यों की अपेक्षा से देखा जाए तो पुद्गल द्रव्य है और हम जीव द्रव्य हैं, और तत्व की अपेक्षा से देखा जाए तो ये शरीर आदिक और शरीर की नग्नता आदिक अजीव तत्व हैं और मैं जीव तत्व हूँ। मोक्ष के मार्ग में न तो अजीव तत्व कार्यकारी है न पुद्गल द्रव्य कार्यकारी है। पुद्गल द्रव्य और अजीव तत्व इनका ज्ञान, जिसे सम्यक ज्ञान कहा, जिसे समझ कह करके पुकारा, वो समझ मोक्ष मार्ग में सहयोगी होगी। इसलिए समझ की प्रेरणा यहाँ दी गई। एक बात और ध्यान रखना, समझ अलग चीज है और समझाना अलग चीज है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। कल शाम को हमारे प्रकरण चल रहा था तो उसमें ये चर्चा आई सहेजी कि कभी कभी ऐसा कहता है मैं समझता भी हूँ और मैं बहुत अच्छा समझाता भी हूँ। बोलो आज जो दो बातें कही, एक तरफ क्या कहा, मैं समझता हूँ और मैं समझाता भी हूँ, झूठ है क्या? झूठ है ये बात। समझता हूँ ये तो आपका काम हो सकता है, समझना ज्ञान का काम है और समझाना वाणी से होता है, वो पराधीन है क्या? मैं समझ तो सकता हूँ लेकिन मैं समझा नहीं सकता, समझा नहीं सकता। समझ, क्योंकि समझना तो ज्ञान की पर्याय है, समझना तो मेरा काम है, वो अपना काम है समझ, और समझाना, समझाऊंगे कैसे? और सुनो, समझाने से समझता भी नहीं है कोई। यदि समझाने से समझने लगे तो हमारे समझाने से सबको एक समान समझ में आना चाहिए, क्योंकि हम समझा रहे हैं ना, सबको एक जैसा समझ में आना चाहिए। लेकिन समझाने से समझ में नहीं आता, समझने की जिसमें जितनी योग्यता होती है वो उतना समझता है क्या? इसलिए समझना स्वाधीन क्रिया है कि समझो, समझो कि मैं समझ तो गया, अब समझाऊंगा कि तू समझा नहीं सकता। समझाने में नहीं उलझना चाहिए वैसे, समझाने में सच में उलझना नहीं चाहिए, उलझना तो कहीं नहीं चाहिए क्या? समझाने का भाव आया, अच्छी बात है, ठीक है, ज्ञानियों को भी आता है इस तरह का भाव, मनराजों को भी आता है, लेकिन मैं समझा सकता हूँ ये मिथ्या है, ये मान्यता मिथ्या। तो यहाँ क्या कहा इन्होंने भाई कि भाई ये जो तत्व और द्रव्य की व्यवस्था है इसे समझो, इसे समझने से अपना कल्याण होगा। देखिए इसी विषय को कुछ और आगे बढ़ाते हैं, बहुत सुंदर चर्चा, विशेषार्थ में भी बड़ी सुंदर चर्चा को खोला है यहाँ। सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान का यथार्थ स्वरूप मिल गया, देखो 284 पेज पे, 1984 अन्यथादी स्तु लोकेस्मिन् मिथ्या ज्ञानं तु कथ्यते। नीतिकार कह रहे हैं भाई जीवादिक सात तत्वों के असाधारण स्वरूप का संशय विपर्य और अनध्यवसाय रहित निश्चय करना ही सम्यक ज्ञान तत्व ज्ञान कहलाता है, और इस लोक में उपयुक्त तत्वों का विपरीत ज्ञान ही मिथ्या ज्ञान कहलाता है। किसका नाम सम्यक ज्ञान और किसका नाम मिथ्या ज्ञान? जीवादिक तत्व कहे हैं इनका असाधारण स्वरूप, और कैसे जाने, जानना कैसे? संशय विपर्य और अनध्यवसाय रहित, ये बहुत विशिष्ट शब्द हैं और आप लोगों ने पहले सुने हैं, क्योंकि हमने सुनाए हैं, पहले पढ़े हैं अपन ने।
क्या कहा हमने? संशय। संशय माने ये ऐसा है कि नहीं है, है क्या ऐसा? डाउट। दो कोटि में झूलने वाला ज्ञान वो कहलाता है संशय। संशय हो गया, संशय हो गया मतलब शंका, ऐसा ऐसा लग रहा पता नहीं ये है ये है, ये है संशय। विपर्याय का मतलब होता है उल्टा, उल्टे ज्ञान में। विपर्याय मतलब विपरीत। संशय माने ये है या ये है, इसका नाम संशय। और किसी गलत बात के बारे में सोच लिए यही है क्या? ये है विपर्याय, विपरीत। फिर है अनध्यवसाय। अनध्यवसाय कहते हैं कुछ भी हो हमारी, हमारे को क्या मतलब है यार, तुम जीव हो या पुद्गल हो? देखो इसमें कभी संशय हो गया ऐसा यार, मैं जो हूँ ये आत्मा, आत्मा की बातें करते हैं वो मैं हूँ, ये जो दिख रहा है यही तो मैं हूँ, यही तो मैं हूँ, क्या आत्मा, आत्मा की बातें तो कर रहे हैं लेकिन ये जो आईने के सामने खड़े होने पे दिख रहा है आखिर ये भी तो मैं ही हूँ, ये मैं नहीं हूँ क्या, कैसी बातें कर रहे हैं, ये भी तो मैं दिख रहा हूँ, ये संशय हो गया। कभी कभी ऐसा भी संशय हो जाता है, सीप और चांदी ऐसे उदाहरण दिए हैं आचार्यों ने, सीप को देख करके कि ये चांदी है या सीप है, ऐसा विकल्प खड़ा हो गया। दो कोटि में झूलने वाले ज्ञान का नाम संशय है। कभी कभी ऐसा भी संशय हो जाता है, ताला बंद करके नीचे निकल उतरे बाहर आ गए और फिर लगाया कि नहीं लगाया, एक बार देख ही आता हूँ। अपन ने अपने हाथ से चाबी लगाई थी, ताला लगाया था, चाबी घुमाई थी, चाबी जेब में रखी थी, फिर भी पता नहीं लगाया कि नहीं लगाया, ये जो विकल्प खड़ा हो गया ये संशय। और विपर्याय क्या है? उल्टा, कि शरीर और आत्मा के बारे में जो संशय हो गया था, नहीं नहीं आत्मा वात्मा कुछ नहीं, मैं तो शरीर ही हूँ, यही तो मैं हूँ यार, ये सब आत्मा वात्मा, तो आत्मा तो मंदिर वालों की बातें हैं, ये तो फालतू लोगों की बातें हैं, ये दिख रहा हूँ ना साफ साफ, मैं कहता हूँ मैं हूँ, ये विपर्याय। और किसी से हमने ये आत्मा और पुद्गल के बारे में कुछ कहा, बोले यार ये सब बेकार है, हम इन चीज़ों में नहीं उलझते, कुछ भी कुछ भी हो, आत्मा हो तो आत्मा, पुद्गल हो तो पुद्गल, शरीर हो या आत्मा, हमें क्या लेना देना है, हमें कोई मतलब नहीं है इन बातों से। ऐसी बातें कहने वाले अनध्यवसाय, जानना ही नहीं चाहता है, समझना ही नहीं चाहता है। किसी को समझाओ तो कहे यार ये सब देखो, ये सब बुढ़ापे की बातें हैं, ये सब फालतू लोगों के काम है। कभी कभी कहता है निठल्ले लोगों के काम है, हमारे पास और ही काम कम नहीं है, इन इन बातों को जानने में अपनी बुद्धि लगाएंगे क्या कि सुन भाई ये निठल्ले लोगों का काम नहीं है, ये उन लोगों का काम है जिन्हें सच्चा सुख चाहिए, ये सुख का मार्ग है, ये उम्र की अपेक्षा नहीं रखता कि कौन सी उम्र में जाकर के सीखेंगे। ये जो संशय है, विपर्यय है, अनध्यवसाय है, इन तीनों से रहित जब ज्ञान होता है, जिस ज्ञान में संशय नहीं हो, जिस ज्ञान में विपरीतता नहीं हो, जो ज्ञान अनध्यवसाय जैसा ना हो, वो ज्ञान है सम्यक ज्ञान। समंत भद्राचार्य देव ने उसे सम्यक ज्ञान कह करके पुकारा है। जीवादि तत्वों के बारे में संशय नहीं हो, जीव अजीव आश्रम बंद संवर निर्जरा मोक्ष, इन तत्वों के संदर्भ में विकल्प खड़ा नहीं हुआ किसी भी तरह का, निर्णीत दशा है तो कहेंगे सम्यक ज्ञान है। और असाधारण मतलब जो इनके विशेष हैं, साधारण कहते हैं सामान्य को, असाधारण कहते हैं विशेष को, तो जीवादि तत्वों के असाधारण स्वरूप को माने विशेष स्वरूप को। जीव का एक्चुअल स्वरूप क्या है, जीव का वास्तविक स्वरूप क्या है, पुद्गल का वास्तविक स्वरूप क्या है, अजीव का स्वरूप क्या है, आश्रम का स्वरूप क्या है, असाधारण स्वरूप को नहीं जाने तो साधारण स्वरूप क्या होगा इनका, जैसे आश्रम बंद संवर निर्जरा मोक्ष, इनका साधारण स्वरूप है पर्याय उत्पाद व्यय, सब में पांचों में कॉमन है, वो साधारण स्वरूप है, माने आश्रम भी पर्याय है और संवर भी पर्याय है, निर्जरा और मोक्ष भी पर्याय है, पर्याय माने अवस्था, दशा अवस्था हालत का नाम ये पर्याय है। तो ये सब पर्याय रूप से देखो तो साधारण है, लेकिन पर्यायों में आश्रम अलग है और बंद अलग है, ये असाधारण स्वरूप है।
जो स्वरूप कॉमन ना हो उस स्वरूप को असाधारण स्वरूप कहते हैं, जो कॉमन स्वरूप नहीं हो, और कॉमन स्वरूप का नाम है साधारण स्वरूप। तो जीवादि सात तत्वों के असाधारण स्वरूप को जानने की कह रहे हैं। भाई साहब गहराई से समझो आप, जीव क्या है, अजीव क्या है, आश्रम बंध संवर निर्जरा और मोक्ष क्या है, इस स्वरूप को आप गहराई से समझो, ऐसा ये उपदेश दे रहे हैं। ज्यादा भ्रम तो पुण्य में आश्रम होता है, इसका ज्यादा भ्रम होता है। हाँ, आश्रम में सबसे ज्यादा भ्रम हो जाता है। जो आश्रम है ना, अभी खोलेंगे, देखो अभी ये बात जो कह रहे हैं ना तत्वों को विशेषार्थ में, यही करेंगे अपन चर्चा थोड़ी सी। देखो, उपयुक्त तत्वों का विपरीत ज्ञान ही मिथ्या ज्ञान कहलाता है। माने इन सात तत्वों का सम्यक ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। सम्यक शब्द, सम्यक में क्या बातें ली बेटा, तीन बातें कही, कौन कौन सी? सम्यक ज्ञान में तीन बातें होनी चाहिए, संशय विपर्य और अनध्यवसाय होना चाहिए, नहीं होना चाहिए संशय विपर्य और अनध्यवसाय नहीं होना चाहिए, है ना, इनसे रहित। महाराज जी सब थोड़ा सा इधर घिसक जाओ, पीछे छिप गए हो बस। हाँ अब ठीक है, नहीं अब ठीक है, ठीक नहीं, ज्यादा आ जाऊंगे तो फिर वो छिप जाएंगे। देखिए, तो ये इन तीनों से रहित जो ज्ञान है वो है सम्यक ज्ञान, और जिस ज्ञान में संशय विपर्य अनध्यवसाय बना हुआ है वो है मिथ्या ज्ञान। सरल अर्थ देखिए नीचे, इस लोक में जीवादि सात तत्वों का यथार्थ निर्णय करना ही सम्यक ज्ञान है। निर्णय माने सम्यक ज्ञान में निर्णय है, निर्णय है इस बात का। आप यदि अपने ज्ञान को सम्यक ज्ञान समझते हो तो हम आपसे पूछते हैं, आपको जीव अजीव का निर्णय है क्या? जीव क्या है और अजीव क्या है? आश्रव के बारे में आपको निर्णय है क्या कि आश्रव क्या चीज है? आप कहेंगे हाँ हाँ क्यों नहीं है, निर्णय है हमारे को। देखो भाई, शास्त्र आधार से निर्णय होना अलग बात है, और उसे फील करना, जब फील किया जाता है तो कहते हैं निर्णय हुआ है। शाब्दिक ज्ञान का नाम निर्णय नहीं है। अंदर से आश्रम की आश्रम पने रूप अनुभूति, बंद की बंधन रूप अनुभूति। उदाहरण के तौर पर अभी मैं आपसे कहूं कि आपको अभी कोई बांध रहा है, आप कहें यार मुझे तो कोई नहीं बांध रहा है। मैं तो बोला मुझे कहाँ बांध रहा है, फिर वो बांध रहा है क्या कोई बेटा? कोई नहीं है, कर्म बांध रहे हैं अभी, अभी कौन बांध रहा है? ए, फुलाऊं मैं तो, मुझे कोई नहीं बांध रहा है। आपको फील हो रहा है कि कुछ बांध रहा है, कोई चीज आकर के प्रति समय हमारे को कस रही है, बांध रही है? यही तो शास्त्र के आधार से कह रहे हो। बोलो, माने ये जो फील है आपको, ये बंधन दिखे उसमें परतंत्रता नजर आए, ये आश्रव आपको दुख रूप दिखाई देवे, लेकिन आश्रव दुख रूप नहीं दिखता है। ये बंध हमारे को परतंत्र और पराधीनता रूप नहीं दिखता है। हम यदि अपने आप को वर्तमान में स्वाधीन समझ बैठे हैं तो आपने गलती से अपने आप को मुक्त समझ लिया। स्वाधीन तो सिद्ध परमात्मा ही होते हैं, संसारी जीव स्वाधीन नहीं होते, तो पराधीन है। तुम जो कह रहे हो ना, मैं तो अरे जो जचे जो करता हूं, मुझे कोई, मेरे ऊपर किसी का चलता नहीं है कुछ भी, अपने ऊपर किसी की नहीं चलती, अपन तो चलाते हैं, स्वाधीन है। आप गलत फहमी में है, ये स्वाधीनता नहीं है। देखिए, इस लोक में जीवादि सात तत्वों का यथार्थ निर्णय करना ही सम्यक ज्ञान है, और इन्हीं सात तत्वों का अयथार्थ निर्णय होना ही मिथ्या ज्ञान है। देखिए विशेषार्थ में क्या बात कहते हैं, प्रयोजन भूत कार्य की सिद्धि होने पर ही किया गया प्रयत्न सफल कहलाता है। जैसे धान के कूटने रूप परिश्रम चावलों की प्राप्ति होने पर ही सफल होता है, सफल कहलाता है। अरे साहब मेहनत तो बहुत की मैंने, काम हुआ कि नहीं हुआ? कि काम तो नहीं हुआ, लेकिन मेहनत तो बहुत की थी कि नहीं? क्या माने, यदि तुम मेहनत करते तो सफल होते ही। अरे कई ऐसे विशिष्ट विद्वान हैं, वो ऐसी बातें कहते हैं कि मेहनत कहते ही उसे हैं जिससे काम हो जाए, काम नहीं हुआ है इसका मतलब मेहनत नहीं हुई।
बहुत से लोग ऐसा कहते हैं ना, हमने सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए बहुत पुरुषार्थ किया फिर भी नहीं हुआ। बोले तूने विपरीत पुरुषार्थ करके फल चाहे तो कैसे मिले? शब्द ख्याल में आते हैं क्या? पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति वाले प्रकरण में लिखा है टोडरमल जी साहब ने, पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति 9वें अध्याय में, वहां उन्होंने चर्चा की है कि तू विपरीत कार्य करके और फल चाहे तो कैसे मिले। काम कर रहा है उल्टा और कह रहा है मेहनत कर रहा हूं। तू समझता ही नहीं है मेहनत क्या होता है, तू समझता ही नहीं है पुरुषार्थ क्या होता है। पुरुषार्थ तो बहुत कर रहा हूं। अरे इसे पुरुषार्थ नहीं कहते। पुरुषार्थ करने के लिए पुरुषार्थ क्या है वो समझना पड़ता है, कार्य कैसे होता है उसका यथार्थ निर्णय करना पड़ेगा। हमने कह दिया यहां पर ऐसा भी 7 तत्वों का यथार्थ निर्णय, या फिर समझ लो आप प्रयोजन भूत कार्य करना है, हमारे को प्रयत्न तो किया लेकिन सफल नहीं हो सका। जो 7 तत्व का निर्णय है ये तो ज्ञानियों के लिए है, अज्ञानी को तो 9 पदार्थों का निर्णय करना है। एक ही बात है, 7 तत्व कहो या 9 पदार्थ कहो, क्योंकि हम तो अभी पाप पुण्य को ही नहीं समझ रहे, हम तो कर्ता बनने का। लेकिन वो 7 ही क्यों 9 कहे हैं शास्त्रों में? जो 7 कहे हैं वो आश्रव में ही गर्भित कर लिया है, पुण्य पाप को मिला लिया है, और जहाँ विशेष कर दिया है वह 9 कह दिया है। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहीं 9 तत्व कह देते हैं दिपेश जी, कहीं 7 तत्व कह देते हैं। तो तत्व 7 है या 9 है यार? जब दोनों ही है तो 9 कैसे कह देते हैं? पुण्य और पाप मिला करके पदार्थ 9 कहलाते हैं। पुण्य और पाप मिल जाते हैं माने जीव अजीव आश्रव वन संबंध जरा मोक्ष, इसमें पुण्य पाप को जोड़ दो तो 9 पदार्थ कह दिए। ऐसा पुण्य पाप को क्यों छोड़ दिया ये बताओ? ये छोड़ा नहीं है किसी ने भी, ये 7 के हैं तब तो छोड़ दिए ना, ये छोड़े नहीं है, उसी में गर्भित हो गए हैं। देखो यहाँ समझाएंगे, अभी अभी इसी का भार नहीं है, जो कुछ अच्छा हो रहा है वो पुण्य का कारण से हो रहा है और जो कुछ खराब हो रहा है पाप के कारण से। ठीक बात है, हम तो यही सुखी दुखी हो रहे हैं अपने आप को कर्ता समझ के। हाँ अभी जीव अजीव की भी खबर नहीं है, पुण्य पाप की भी खबर नहीं है, बहुत झमेला है जीवन में। जब तक ये तत्व निर्णय बराबर नहीं होना तब तक इसकी इसको कोई सुखी नहीं कर सकता। ये तत्व ज्ञान और तत्व निर्णय ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीज है, इसी का नाम धर्म है ये समझ लो आप। ये तत्व निर्णय ही धर्म है, इसके अलावा जो कुछ भी कर रहे हो वो 3 काल में धर्म नहीं हो सकता। हमने एक दिन धर्म की एक व्याख्या की थी आपके बीच में, और हमने ये कहा था जो सिद्ध परमात्मा कर रहे हैं वो धर्म है, जो सिद्ध भगवान कर रहे हैं वो धर्म है। 2-3 बातें कही थी ना, 3 बातें कही थी। तो सिद्ध भगवान जो कर रहे हैं वो धर्म है, और जो सिद्ध नहीं कर रहे वो धर्म नहीं है। कि साहब हम स्वाध्याय कर रहे हैं ये धर्म नहीं है क्या? कि बताओ सिद्ध भगवान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो हम पूजन कर रहे हैं तो ये धर्म है या नहीं है? क्योंकि सिद्ध भगवान कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे। तो फिर हमने उपवास किया ये तो धर्म है, बताओ सिद्ध कर रहे हैं क्या? कि हमने व्रत लिए, हमने अहिंसा का पालन किया, हम 4 हाथ जमीन देख करके चले, बोलो धर्म है कि नहीं है? हमने आलू प्याज जमीगंद का त्याग किया, राग का किया बोलो धर्म है कि नहीं है? कि वो कर रहे हैं क्या? हमने शुद्ध सात्विक भोजन किया, मर्यादा का भोजन, बोलो अब धर्म है क्या? कि नहीं है, क्योंकि सिद्ध सीधी सी बात, तो सिद्ध भगवान कर क्या रहे हैं यार वो बताओ ना जबरदस्ती उलझा रहे हो आप। ज्ञाता दृष्टा है, जानने देखने का काम कर रहे हैं, यही काम अपने को करना है। जो व्यक्ति ज्ञाता दृष्टा है वो ज्ञानी है, और जो ज्ञाता दृष्टापन छोड़कर, ज्ञाता दृष्टा तो है ही लेकिन ज्ञाता दृष्टा से अलग हटके जिसने कर्ता धर्ता बनने का प्रयास किया वो अज्ञानी है। ज्ञानी ज्ञाता होता है और अज्ञानी कर्ता होता है। जो कर्ता धर्तापन कर्तृत्व का वजन जिसके माथे पर है वो अज्ञानी है, और ज्ञातृत्वपन जिसके ऊपर सवार है वो ज्ञानी है। अभी हमारे शाम को जो चर्चा चलती है वो प्रवचन सार खत्म हो रहा है, उसमें प्रवचन सार परिशिष्ट चल रहा था 47 नए और वो सब। तो अंतिम कलश में अमृत चंद्र आचार्य देव कहते हैं कि भाई ये जो रचना हुई है, ये जो टीका की है, ये जो वाणी आदि है, इनमें हमारा कुछ कर्तृत्व नहीं है। क्या
तो गुरुदेव के व्याख्यान चल रहे थे उसके ऊपर पढ़ा उसको, तो जब इसको पढ़ते हैं ऐसा तो एकदम ऐसा लगता है कि देखो यार इतने बड़े आचार्य होकर के कितनी निराभिमानता बता रहे जैसे मानतुंगाचार्य देव ने कहा ना ऐसा अल्प श्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम् यत्को किल किल मधौ मधुरं विरोधि तच्चाम्रचारु कलिका निकरे करे। अल्प श्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम है, अल्प श्रुत हूं और श्रुतवताम परिहास धाम है, ज्ञानियों के हंसी का पात्र बनूंगा। अभी वो जो अपने ऑडियो थे ना वो अभी यूट्यूब पे डाल दिए, लोगों की बहुत डिमांड थी, दो तीन दिन से अभी डालना शुरू किए हैं मक्कामर के ये प्रवचन। अल्प श्रुतम यहाँ चलाए थे हमने 2011 में मक्कामर स्तोत्र, वो डेट डली थी आपकी डाली हुई इसलिए पता है। अल्प श्रुतम और मान तुम जैसे आचार्य वो क्या कह रहे हैं अपने आप को, अल्प श्रुत हूं मैं तो, अज्ञानी हूं मैं तो। ये अमृत चंद्राचार्य क्या कहते हैं अंत में टीका लिखने के बाद, अंत में क्या कह रहे हैं कि ये जो शब्द रचना हुई है, ये जो टीका की गई है, ये जो वचन है, शब्द है, वाणी है, मैं इनका कर्ता धर्ता नहीं हूं, इनमें मेरा कर्तृत्व नहीं चलता है। तो आप इस वाक्य को सुनकर के क्या अर्थ लगाएंगे बोलो? आप ये समझेंगे कि अमृत चंद्राचार्य देव कितने विनम्र हैं, कितने सहज हैं, कितने सरल है। देखो अपनी लघुता प्रदर्शित, इतना बड़ा काम करने के बाद में अरे साहब मेरा कुछ नहीं है इसमें, अपने को लगता है कितनी महानता बता रहे हैं। गुरुदेव ने अर्थ करते हुए क्या कहा, उन्होंने कहा ये अकेला महानता बतलाना ये यहाँ उद्देश्य नहीं है। वो कह रहे हैं वस्तु स्थिति ऐसी है कि मैं कर नहीं सकता हूँ। क्या मोह में मत नाचो, ये शब्द के प्रयोग किए हैं बिल्कुल, मोह में मत नाचो। ये अज्ञानी जीव को ऐसा लगता है कि अरे कितनी लघुता प्रदर्शन की बात नहीं है। लघुता प्रदर्शन तो जन सामान्य भी कह देते हैं, बड़े बड़े काम करने वाले नेताओं से आप पूछोगे तो वो भी आपको आज अरे साहब मैं कौन साहब सब आप ही की कृपा है, तो ऐसे दूसरे के ऊपर कहेंगे। ऐसे लघुता प्रदर्शित करने वाले जन सामान्य बहुत दिखाई देते हैं, बहुत अंतर है। यहाँ आचार्य देव के जो वचन है ये वचन अकेले इसलिए नहीं है कि लघुता प्रदर्शित की हो, वस्तु स्थिति यह है कि हम वाणी के कर्ता हो नहीं सकते। वस्तु स्थिति यह है कि ये चेतन वाणी को कैसे करे, ये तो बताओ, ये वाणी का कर्ता कैसे बने, ये चेतन तत्व अचेतन पदार्थों का कर्ता बन सके ऐसा संभव ही नहीं, कोई नहीं सकता है। देखो यहां कैसी कैसी बातें कहते हैं, हे उपाधेय को समझा रहे हैं आगे। एक तो परिश्रम कहा विशेषार्थ के पहले पैराग्राफ में कि परिश्रम किसे कहते हैं, जिससे कार्य की सिद्धि हो उसे परिश्रम कहते हैं, जिससे कार्य की सिद्धि ना हो उसे हम परिश्रम कहते ही नहीं हैं। आप कहें हमने मेहनत तो बहुत की लेकिन फिर भी काम हुआ नहीं, तो बेटा तेरी मेहनत में ही कमी थी। परिश्रम का परिणाम निकलना चाहिए, परिणाम निकलना चाहिए, परिणाम निकलेगा तो परिश्रम हुआ, परिणाम नहीं निकला तो परिश्रम भी नहीं हुआ। देखो नीचे आगे क्या कह रहे, ज्ञानार्जन करने का फल हेयोपाधेय का परिज्ञान होना है। क्या ज्ञानार्जन करने का फल क्या है? हमने ज्ञान अर्जन किया, हमने समझा, हमने इसका फल हे उपाधेय का परिज्ञान होना है। हे उपाधेय क्या होता है अर्जुन? हे माने छोड़ने लायक, उपाधेय माने ग्रहण करने, हे माने ये तो हे है बच्चों, हे ऐसे छी छी तो कहते हैं ना, हे है ये छोड़ने लायक है, ये उपाधेय है ये ग्रहण करने लायक है। तो ज्ञान अर्जन का असली फल क्या है? हे उपाधेय को पहचानो, नहीं तो क्या ज्ञान प्राप्त किया आपने? ज्ञान की सार्थकता हे उपाधेय को पहचानने में है, ज्ञान की सार्थकता अपना पराया पहचानने में है। कैसे तजिए गई, बिन जाने थे कैसे तजिए गई है दोष गुणन को, तो जानने की सार्थकता किसमें है, क्या ग्रहण करना है और क्या छोड़ना है, ये ज्ञान अर्जन का फल बतलाया है इन्होंने।
हे उपादेय का परिज्ञान होना है, किंतु ज्ञानार्जन करने पर भी हे उपादेय का ज्ञान नहीं हुआ तो ज्ञानार्जन के लिए किया गया परिश्रम निष्फल है। आपको सब जान लिया, अरे जान तो लिया लेकिन किया क्या जान के, ये बता कि साहब मैंने जान लिया ये जहर है मैं पी रहा हूं मैं तो मजे से, लेकिन जान तो लिया। फिर जानने का मतलब उसका फल निकलना चाहिए, या तो हेय होना चाहिए या उपादेय होना चाहिए, ये ज्ञानार्जन का फल है। क्या हाँ जान लिया मैंने, तो तूने कुछ नहीं जाना तूने। लोग कहते हैं ना ऐसा कि कोई काम कहो तो कहते हैं हम सब जानते हैं, सब जानते हैं, तो जानता हूँ मैं कि जानता है कि हाँ इसमें क्या है, ये तो मैं जानता हूँ। तो यदि ये जानता है तो जानने के बाद में त्याग हुआ कि नहीं हुआ, जानने के बाद में ग्रहण हुआ कि नहीं हुआ, आत्मा को जानना कब कहलाए कि आत्मा को जानकर आत्मा में अपनापन हो तो आत्मा को जानना कहलाए। ऐसे तो आत्मा को जानने वाले बहुत मिलेंगे, गली गली में लोग इस तरह के मिल जाएंगे जो आत्मा की बातें करेंगे, ब्रह्म की चर्चा करेंगे, ब्रह्म सत्यम की बात करेंगे, ब्रह्म सत्य है आत्मा की बात करेंगे। ये ब्रह्म कुमारी वाले लोग हैं चाहे सांख्य मतावलंबी हैं, सब 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 लोग आत्मा आत्मा शब्द सबके यहाँ मिलेगा, आत्मा की बातें भी करेंगे और कहेंगे हम आत्मा को जानते हैं। तो तू आत्मा को जानता है तो आत्मा में अपनापन है या नहीं है, वो उपादेय हुआ कि नहीं, उसे ग्रहण किया या नहीं। आत्मा को आत्मा जानकर उसको ग्रहण करे तो कहते हैं आत्मा का ज्ञान सच्चा, पर को पर जानकर उसका त्याग करे तो पर का ज्ञान सच्चा, आश्रव को आश्रव जानकर आश्रव छूटे तो आश्रव का ज्ञान सच्चा। और तू कहे मैं आश्रव को तो जानता हूं, कि क्या जानता है कि घर में रखने लायक है, कि तू जानता ही नहीं। गे में हे उपादेय नहीं देखा जाएगा, गे तो गे मात्र है, लेकिन कुछ गे ऐसे भी हैं जो हेय हैं, कुछ गे ऐसे भी हैं जो उपादेय हैं, जैसे आश्रव और बंध, ये गे भी हैं लेकिन हे भी हैं। अरे जानेगा तभी तो छोड़ेगा, ये तो सारी हैं, गे तो सातों तत्व हैं, जानेगा तभी तो छोड़ेगा। जैसे गड्ढे का एग्जांपल दिया ना कि भाई देखना गड्ढा है कि नहीं, अब हाँ देख लिया मैंने और फिर चलता चलता गिर गया उसमें, तो देखा था कि नहीं, कि देख तो लिया था, इसे देखना नहीं कहते। आपने कहा था गड्ढा है, आपने कहा था गड्ढा है। शादी होकर के नई नई बहू आई तो झाड़ू लगाने के बाद में कचरा इकट्ठा किया था, तो बहू से कहा देख बेटा इधर से खिड़की से फेंके तो नीचे आदमी देख के फेंकना। उसने कचरा फेंका और नीचे से एक आदमी झगड़ने के लिए आ गया कि मेरे ऊपर कचरा डाल दिया, तो सास ने बहू को बुला करके कहा कि तूने क्या किया, तेरे से कही तो थी मैंने आदमी देख के डालना, कि अम्मा जी आदमी देखने के चक्कर में तो 15 मिनट खड़ी रही, आप ही ने तो कहा था जब तक कोई आदमी आदमी आया तो मैंने उसके तो आदमी देख करके डालना मतलब क्या, इसे इसे देखना थोड़ी ना कहते, तुम उसका भाव नहीं समझे। उसको जानने का मतलब ये है, ज्ञानार्जन की उपादेयता है हे उपादेय को पहचानना कौन हे और कौन उपादेय है, अन्यथा किया गया परिश्रम निष्फल है। इसी प्रकार तत्व ज्ञान करने पर उसका फल वीतरागता, तत्व ज्ञान किया उसका फल वीतरागता, सच्चा सुख प्राप्त नहीं हुआ तो तत्वों का निर्णय करना ही निष्फल रहा। हिसाब हमें तत्व निर्णय हो गया कि वीतरागता प्रकट हुई क्या, कि वो तो नहीं हुई, क्या परिश्रम बेकार है, तो तेरा परिश्रम बेकार है। माने यह करने पर नियम से सच्चा सुख उत्पन्न होता है, तत्व निर्णय होने पर सच्चा सुख उत्पन्न होता है, तत्व निर्णय होने पर वीतरागता उत्पन्न होती है, इसलिए तत्व का निर्णय किया तो वीतरागता हो गई। और ये कहे मैंने कर तो लिया तत्व निर्णय कि तूने अभी शब्दों में किया है, भाव वासन नहीं हुआ, थ्योरी पढ़ी है, थ्योरी पढ़ी है, परिभाषाएं रट ली है, शास्त्रों के अनुसार बोलता है, जैसा देखा है जैसा सुना है वैसा वैसा बोलता है, उसका भाव वासन नहीं है, इसको शब्द तो समझ रहा है
लेकिन शब्द के पीछे छिपा हुआ भाव नहीं समझ रहा है कि इसका भाव क्या होता है। अपने पंडित साहब कहते हैं संतोष जी जी साहब कहते थे, वो किसी बच्चे को कहा बाहर खेल रहा था, कहा तेरी माँ मर गई।